कि इनको ये बात समझ में नहीं आई। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी हमको समझा रहे हैं कि ये अर्जुन को मिस करके, मतलब उसको लक्ष्य में रख के प्रभु संपूर्ण मानव जाति को ये उपदेश उनके प्रश्नों के समाधान रूप में दे रहे हैं। अर्जुन के द्वारा सकल सन्मार्ग प्रवृत्ति के, सकल भक्तों के सन्मार्ग की प्रवृत्ति के लिए प्रभु उपदेश कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने पहला उपदेश किया है, जो मानव सद्धर्म से उत्पन्न मेरे मत को श्रद्धा पूर्वक, सहिष्णुता पूर्वक श्रवण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको कर्म संबंधी बंधन नहीं होते। मेरी आज्ञा, मेरी उक्ति में विश्वास करने का कारण अन्य कर्म भी मोक्ष के साधक बन जाते हैं। जो मेरी आज्ञा का परित्याग कर कर्म को ही फल साधक फल मानते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तो कहा है कि ये मैं मतलब ये मैं मतमिदम, ये वाला शब्द। और दूसरे में बताया कि जो मेरे मत से ईर्ष्या करते हैं और आचरण नहीं करते, उन ज्ञान विमूढ़ों को, शून्य हृदयों को नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। भाव यह है कि मेरे आज्ञा के अतिरिक्त कर्म करने वाले नष्ट हो जाते हैं और मेरी आज्ञा के अनुकूल चलने वाले वो कर्म में भी प्रवृत्त रहते हैं और मोक्ष के मार्ग पे भी जाते हैं। बराबर। अब प्रभु 33वें श्लोक में कोई बहुत जबरदस्त वस्तु समझा रहे हैं और वो है, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यानी यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ऐसे समझा रहे हैं। वो क्या चीज है, देखो प्रश्न है कि वे तुम्हारे मत का परित्याग कर अन्य कर्म कैसे करते हैं। अतः कहा है कि ज्ञानवान मानव भी अपनी प्रकृति के समान चेष्टा करता है। भाव यह है कि प्रकृति का अंश जीव भगवदुक्त में भगवान का अंश होने के कारण प्रवृत्त नहीं होता। अतः कहा भी गया है कि जो जिसका अंश है वह उसे भजे। भगवान द्वारा दत्त सामर्थ्य से माया ज्ञानवान को भी मोहित कर लेती है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति इत्युक्तम। यहाँ पुरुषोत्तम जी एक दृष्टांत दे रहे हैं मार्कंडेय पुराण का, इस श्लोक को समझाने के लिए। और वो दृष्टांत ये है कि देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच कर महामाया को देती हैं। सत्संग से या भगवद वाक्य से वे यजन क्यों नहीं करते। कहा है कि भूत अपने अधिष्ठान को प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए वहां पे शब्द नपुंसक कहा है। निग्रह सत्संग का कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। पुरुषोत्तम जी यहाँ इस श्लोक के उदाहरण से ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ये दृष्टांत देके ऊपर वाले श्लोक को, 33वें श्लोक को आप देखिएगा। प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, ज्ञानी व्यक्ति भी जो होता है ना, वो सदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिम यानी भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये श्लोक से प्रभु समझा रहे हैं कि सब प्राणी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे जड़ की तरह मत देखो। प्रकृति को प्राप्त होते हैं का मतलब क्या होता है कि हम जैसे ही प्रकृतिस्थ शरीर में आते हैं, हम भगवद अंश हैं। ये कुछ याद रहता है क्या? ऐसा कुछ याद नहीं रहता है। हम ये शरीर हैं और हमको जब से इस देह को कोई नाम रूप दिया जाता है कि तुम्हारा ये नाम है, तब से वो नाम के उच्चारण मात्र से अपनी सारी चित्त वृत्तियां उस तरफ आकृष्ट होती हैं कि नहीं होती हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये जितनी भी मनुष्य के अंदर प्रकृति है, ये प्रकृति ही उसके ऊपर इतना संघात के द्वारा इफेक्ट करती है कि अब उसको क्या लगने लग जाता है, मैं ये खुद मैं ही हूं, मतलब शरीर ही मैं हूं। इसीलिए अपनी बात शुरू हुई ना कि मनुष्य देहाध्यास से ही शुरू होता है। पहली अविद्या का पर्व क्या है? देहाध्यास। फिर उसको चिंतन आता है, देह मैं नहीं हूं, मैं श्वास ले रहा हूं ना, इसलिए ये देह चल रही है। फिर वो प्राणाध्यास होता है। फिर होता है कि नहीं नहीं, ये प्राण क्यों श्वास निश्वास चल रही है? क्योंकि इंद्रिय मुझसे ये काम करवा रही है। तो मेरी सब इंद्रियां इस प्रकार से श्वास ले रही हैं, इसलिए ये प्राण वायु आ रहा और जा रहा। तो उसको तीसरा इंद्रियाध्यास आता है। चौथी चीज क्या आती है?
नहीं नहीं इंद्रियां इसलिए करवा रही हैं क्योंकि मेरी मन और बुद्धि इनको ये बात कह रही है कि तुम ऐसा ऐसा करो, तो उसको चौथी चीज होती है इंद्रियाध्यास। फिर पांचवी चीज क्या होती है, मैं भगवत अंश हूं या मैं भगवत तत्व नहीं, मैं हूं, वो होता है स्वरूप विस्मृति। क्या वो उसको कुछ याद नहीं है कि मैं और मेरा जो भी कुछ है वो भगवत प्रदत्त है या भगवान माया से मोहित है, इसलिए मैं इसको ऐसा जान रहा हूं, उसको सब चीज अपनी सच लगने लग जाती है। तो प्रभु भी उसको यही कह रहे हैं कि प्रकृतिम ज्ञानी भूतानि निग्रह किम करिष्यति, सब प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं, लेकिन जो ज्ञानवान होते हैं, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। ज्ञानी कितना भी अपने आप को ज्ञानी समझता हो लेकिन प्रकृति के परवश कहीं ना कहीं वो भी होके कर्म में तो वो भी प्रवृत्त हो ही जाता है, जबकि जानता है कि कर्म ये मेरा कर्म नहीं है। इसलिए अगर भगवान ऐसा नहीं कहेंगे ना तो आगे आगे के श्लोक प्रकट नहीं होंगे, आगे की वो व्यवस्था आगे पूर्वा पर विवेक से चलेगी ही नहीं। अब 34वें श्लोक का तात्पर्य क्या बताया जा रहा है, तात्पर्य बता रहे हैं कि राग द्वेष के वश में होने का निषेध। ज्ञानी क्यों पड़ जाता है ये सब चक्कर में अगर वो ज्ञानी है तो, क्योंकि ज्ञानी में भी कहीं ना कहीं राग द्वेष छुपा हुआ है किसी भी के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छ एतौ यस्य परिपंथिनौ। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही परिपंथिनौ कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्लोक संख्या कौन सी भाई, 34 है। इसमें भी प्रभु महा इसमें भी पुरुषोत्तम जी ने एक वो दिया हुआ है, यदि यह कहें कि भगवत दत्त सामर्थ्य से निग्रह आदि असाध्य है तो पुरुषों को फल सिद्धि कैसे होगी। अतः कहा है कि इंद्रिय के लिए राग द्वेष नियत है। इंद्रिय में जाति के अभिप्राय से एक वचन है, इष्ट में राग होता है और अनिष्ट में द्वेष होता है। इन दोनों के वश में न रहें क्योंकि ये राग द्वेष मार्ग के विच्छेदक हैं। भगवान ने माया को सबके मोहन की सामर्थ्य प्रदान किए, अतः पुरुषांश जीव इंद्रियों के वश में नहीं जा सकता और तब मोह भी नहीं होगा। भूतानी में नपुंसक लिंग का स्थापन यह सिद्ध करता है कि माया संबंधियों को ही मोहित करती है, विषयादि संग मोह रूप है, अतः अस्य में पुल्लिंग का प्रयोग किया है। भागवत में भी कहा है कि इसका मोह वैसा नहीं होता जैसा कि स्त्री के संग या स्त्री संगी के संग से होता है। न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चात्म प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। ये श्री पुरुषोत्तम जी अपने को इस श्लोक से समझाना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा और खुलासे के साथ समझने के लिए अपन देखते हैं कि पुरुषोत्तम जी की वाणी का अपने को कैसे और लाभ मिले। तीन चीजों को आप लोग अपने ग्रंथ में देखेंगे। पहला शब्द ही प्रभु ने प्रयोग किया है इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे। इंद्रिय इंद्रियों के लिए ही काम करती हैं, इंद्रिय और किसी के लिए काम नहीं करती। लेकिन जब इंद्रिय इंद्रियों के लिए काम करती हैं तो उस काम के पीछे हेतु क्या होता है, तो वो कहते हैं राग द्वेष व्यवस्थित। जो चीज हमको चाहिए ना उन चीजों में हमको राग उत्पन्न होगा और जो चीज हमको नहीं चाहिए उन चीजों में हमको द्वेष उत्पन्न होगा। द्वेष मतलब ऐसे चिढ़ नहीं करना है ऐसा, राग मतलब हाँ हाँ हम करेंगे ऐसा भावाना। तो जो इंद्रियस्यार्थे
रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशमागच्छेतो यस्य परिपंथिनो। अब क्या हो रहा है, ये रागद्वेष है ना तुम्हारे परिपंथी, मतलब साथ में चलने वाले। जब तुम कर्म करोगे ना तो ये तुमको छोड़ेंगे नहीं, या तो कर्म में राग होगा या कर्म में द्वेष होगा, ये तो तुम्हारे साथ चलेगा ही। तो वो ये समझा रहे हैं कि इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था के अनुकूलता और प्रतिकूलता लेकर स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। इसलिए ना मनुष्य को राग में पड़ना चाहिए और ना मनुष्य को द्वेष में पड़ना चाहिए। व्याख्या में और समझा रहे हैं कि भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होता है। हमारे सुख या दुख का कारण कोई दूसरा है ये मानने से ही राग और द्वेष उत्पन्न होता है। यदि अंतकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं। साधक राग द्वेष के वशीभूत न हो और उनको अपने में भी न माने। राग द्वेष आगंतुक दोष हैं, हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। अरे भाई, तो प्रश्न क्या उठेगा? प्रश्न ये उठेगा कि अगर यों भी नहीं करो कर्म, त्यों भी नहीं करो कर्म, राग द्वेष से भी नहीं करो, आसक्त भाव से भी नहीं करो, अनासक्त भाव से भी नहीं करो, तो मनुष्य कर्म करे क्यों? प्रश्न उठेगा ना कि जब इतनी प्रकार से आप बता रहे हो कि तुम तो कर्म कर ही नहीं रहे हो, तुमसे ये प्रकृति आदि सब कारण कर्म करा रहे हैं, कर्ता इन कर्मों से भिन्न है, कर्म करने के समय तुमको राग द्वेष नहीं रखना है, अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार किए बिना तुमको कर्म में प्रवृत्त रहना है, क्योंकि इनका विचार करके करोगे तो ये राग और द्वेष तुम्हारे में दृढ़ हो जाएंगे, तो फिर इतनी प्रपंच में करूं क्यों? अर्जुन को प्रश्न होगा ना ये, तो उसका उत्तर प्रभु जो है वो 35वें श्लोक में आप प्रदान कर रहे हैं। 35वें श्लोक में स्वधर्म पालन से कल्याण और पर धर्म में पड़ने से हानि का उपदेश करते हुए प्रभु श्लोक प्रकट करते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म को भय को देने, दूसरे का धर्म तो भय देने वाला मनुष्य को है। इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का स्वधर्म है। स्वधर्म की परिभाषा बताई है, वर्णाश्रम धर्म से अनुप्राणित आपको जो धर्म दिया गया है वो आपका स्वधर्म है, परम फर्स्ट, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जिनमें दूसरे के अहित का भाव होता है वे चोरी हिंसा आदि किसी के भी स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों रहते हैं। जैसे दूसरे के अनिष्ट का भाव, कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है, धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म, धर्म में परधर्म है। ये क्या हुआ? धर्म में परधर्म है। तो कह रहे हैं कि कुधर्म, अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता, कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता है, और आदमी जिसको अपना मान के करता है कि यह मेरे करने के लिए है वो स्वधर्म होता है। तो यहां भगवान ने जबरदस्त बात कहके एक विषय को पूरा किया है कि अर्जुन श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अब देखो,
इस श्लोक के बाद सीधा अर्जुन उवाच, देखा ना अब क्या हुआ, अर्जुन के धैर्य का बांध टूट गया और वो अभी भी भगवान को यही कह रहा है कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादपि बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, ऐसा मनुष्य क्यों करता है, ये उसको प्रश्न हो रहा है। क्या अच्छा ठीक है, जब स्वधर्म में ही उसको स्थित रहना चाहिए प्रभु, तो वो स्वधर्म का परित्याग करके पधर्म परधर्म में पड़ता ही क्यों है। अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम जनति पुरुषः अनिच्छन्न विवार्ष्णे, उसकी इच्छा तो नहीं होती, कौन मनुष्य चाहता है कि मैं पाप करूं। नहीं, पाप करना तो कोई मनुष्य नहीं चाहता, जब तक कि एकदम हिंसक वृत्ति का मनुष्य नहीं होगा, आतताई नहीं होगा, तब तक उसको कोई ऐसी इच्छा नहीं होगी कि आज मैं चलो आज को एक अच्छा पाप करके आऊं ऐसा। तो भी आदमी बलात् ये पाप वृत्ति में क्यों पड़ जाता है। अभी देखो अपने यहाँ कैसा है, आचार्य चरण के सिद्धांत अनुसार अपन क्या मानते हैं, जिस समय भगवद आवेश नहीं है उस समय क्या है, तो तुमने चाहा था क्या कि तुम आसुर हो जाओ, तो आसुरावेश कहां से आया, आसुरावेश कहीं से आता नहीं है। जीवा स्वभावतो दुष्टः, तो स्वभावतेन अपन दुष्ट हैं, उस कारण से जिस समय हम भगवद आवेश में नहीं हैं उस समय हम आसुरावेशित ही हैं। तो आसुरावेशित रहना ये हमारी कुछ एक नित्य स्थिति जैसी है, इससे हटके हम जब कुछ भगवन नाम भगवद वार्ता भगवद लीला गुणानुवाद सत्संग आदि कुछ करेंगे तब हम बलात् मन को कहां लेके जाएंगे, भगवत चरणारविंद की ओर ले जाने का प्रयत्न मात्र करेंगे और वाणी और हस्त आदि को पवित्र करेंगे जप आदि के द्वारा, जो भी ढंग से समझो बराबर। तो इंद्रियों में पावित्र, मन में पावित्र, बुद्धि में पावित्र, विचारों में पावित्र, ये तो लाना पड़ेगा ना, कॉन्स्टेंटली तो नहीं रह रहा है। तो वो उस चीज में अर्जुन पूछ रहा है कि एक साधारण व्यक्ति जो आदमी पाप करना चाहता नहीं है पर वो पाप में प्रवृत्त हो जाता है अपने आप ही, जैसे दृष्टांत के तौर पे इस प्रश्न को समझने के लिए सीधा सीधा बात है, संसार में मन लगाने का प्रयत्न करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता है, संसार में ही मन रहता है, पर प्रभु में मन लगाना है तो भाई काफी परिश्रम करना पड़ेगा और उसके बाद भी कुछ क्षण मात्र लवलेश मात्र कुछ पल मात्र आप प्रभु में मन को रख पाओगे, रखना चाहते नहीं हो ऐसा नहीं, पर उसके लिए कितना वो कर्म परिश्रम साध्य है कि मन प्रभु में लगे, पर ऐसा परिश्रम कभी तुमने जागतिक या सांसारिक पदार्थों में मन लगाने के लिए किया क्या, नहीं किया, वहां तो मन स्वतः ही बैठा हुआ है। ठाकुर जी पोड़ा के आदमी कैसे हाथ झटकता है, आज नु कार्य पुरु थायो, ऐसा मतलब अब मैं रिमोट कहाँ है, फोन कहाँ है, मन जहां था मैं वहां जाऊं, देह मन को वहां लगाए हुए था सेवा में, पर जैसे ही ठाकुर जी पोड़े मंदिर मंगल हुआ तुरंत, आप कितने हंस रहे हो देखो ये बात सुन, आपको अंदर से आनंद आ रहा क्योंकि वास्तविकता है अर्जुन का, यही प्रश्न है जो अपन सबकी वास्तविकता है, अर्जुन का यही प्रश्न है प्रभु से कि अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ये प्रश्न के ऊपर कोई टीका ही नहीं है, प्रश्न सीधा प्रश्न है, प्रश्न पे टीका क्यों नहीं है, प्रश्न पे टीका की कोई जरूरत नहीं है, प्रश्न सबको एक सा ही रहता, उत्तर पे टीका अपेक्षित है। अब भगवान कह रहे देखो, भगवान तो फिर भगवान है, भगवान किसी को छोड़ते नहीं उत्तर देने में, भगवान उसको सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि अर्जुन समझो, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन विद्येन मिह वैरिणम। इसका अन्वय इस प्रकार है,
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशन। महाशन का मतलब होता है, ये समझने वाली चीज है, महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला, और महापापमा मतलब बड़ा पापी। देखो आपको मैं समझाता हूं, अभी है ना कुछ अभी बहुत बहुत वर्ष हो गए, मेरा तो शायद जन्म हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, अपने यहाँ एक प्रवक्ता आए भारत में, रजनीश ओशो, बराबर, नाम सबने सुना होगा, बहुत आप लोगों के जवानी में तो बहुत हिट प्रवक्ता थे, हम तो तब जन्मे भी नहीं थे, बड़े हिट थे वो भारत में, बहुत उनका एक उनकी कुछ कही हुई बात का वजन पड़ता था। और पहले क्या हुआ, भारत से वो विदेश गए, विदेश से सब जब वापिस हकाले गए, एग्जाइल किया गया, तब वापिस वो भारत आ गए, क्योंकि अपन ही तो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम लेके बैठे हुए हैं, तो वापिस आ गए। ये श्लोक को समझने के लिए अपन एक दृष्टांत समझते हैं। रजनीश जी ने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा संभोग से समाधि तक, और उस ग्रंथ में, वो ग्रंथ उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ, ऐसे तो उनके बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे, लेकिन ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इस ग्रंथ का आदर्श स्टेटमेंट ये था कि इतना विषयों को भोग लो कि विषयों से थक जाओ, और जब तुम विषय भोगों से थक जाओगे तो अपने आप ही मन तुम्हारा परमात्मा में लगेगा। ये उसका बेसिक स्ट्रीमलाइन उसकी ग्रंथ की ये थी कि इंद्रियां अगर अपने आप को दबाएंगी तो और उछटेंगी, इससे अच्छा भोग लेंगी तो उसकी तृष्णा निवृत्त हो जाएगी, और फिर जब वो कहते हैं निवृत्त तर्श हो जाएगा आत्मा जीव, तब वो प्रभु में लग पाएगा, तब उसको समाधि लग पाएगी, ध्यान लग पाएगा। ऐसा नहीं, भगवान उसी का खंडन कर रहे हैं, उस पूरी आइडियोलॉजी का भगवान खंडन कर रहे हैं। और भगवान क्या चीज समझा रहे हैं, भागवत जी में इसका बहुत सुंदर दृष्टांत दिया हुआ है। ये किस चीज के ऊपर मैं समझा रहा हूं, महाशन, महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला। अग्नि प्रज्वलित कब तक रहती है, जब तक आप उसमें ईंधन डालोगे, कोई भी प्रकार का ईंधन डालते रहोगे तो अग्नि प्रज्वलित रहेगी। भागवत जी उसमें ऐसा एक पद्य लिखती है, कहां का वाक्य मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है, पर भागवत जी का श्लोक है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। तुम सोचो कि मैं मेरी कामनाओं का उपभोग कर लूंगा तो मेरी कामनाएं शांत हो जाएंगी, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। भागवत कहती है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव इवाम्बसा। तुम जितना अग्नि में हविष्य डालोगे, अग्नि तो और प्रज्वलित होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। जितना ईंधन पड़ता रहेगा, जितना हविष्य पड़ता रहेगा ओम की सामग्री, उतने समय तक यज्ञ चलता रहेगा। तो तुम अगर ऐसा सोचते हो कि मैं कामों को उपभोग कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा तो एक दिन थक जाऊंगा, तो कभी थकोगे नहीं। हमारे यहाँ वो कथा आती है ना कि एक राजा ने इतना जीवन में सब सुखों का उपभोग कर लिया कि उसकी तृष्णा फिर भी नहीं मरी, तो उसने अपने पुत्र से मांगी कि तुझे तू मेरे को तेरी युवावस्था दे दे। फिर बाद में वापस उसने वो पुत्र की दी हुई युवावस्था लेके भी भोग किए तो भी उसकी भोग वृत्ति शांत नहीं हुई। चंद्रवंश के वर्णन में पुरु यदु ययाति, ये लोगों के चरित्र में ही शायद ये कथा आती, मेरे अगर स्मरण सही जा रहा है तो। कहने का तात्पर्य, कोई व्यक्ति हो सोचे कि मैं नहीं कामोपभोग कर लूंगा या मैं विषय तृष्णाओं को भोग लूंगा तो मेरी विषय वासना निवृत्त हो जाएगी, ऐसा कभी भी निवृत्त होने वाला नहीं है। उसको समझाने के लिए प्रभु कह रहे हैं, महाशनो महापापमा, तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारी जो वो तृष्णाग्नि है वो तृष्णाग्नि तुम्हारी कभी दूर होगी। तृष्णाग्नि कभी भी किसी की दूर नहीं होती है। क्यों क्यों नहीं होती है, तो प्रभु समझा रहे हैं इस विषय में ही, इसको ही तू बैरी जान, इसको ही तू बैरी जान, मतलब श्री भगवान बोले
रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है, इस विषय में तो इसको ही बैरी जान। जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, यह काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है, न समय पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है, न कलयुग पाप कराता है, प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। ऐसा मनुष्य क्यों करता है? उसका उत्तर प्रभु आगे के श्लोक में दे रहे हैं। धूमेनाव्रीयते वन्यर यथा दर्शो मलेन च यथोल बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा ये ज्ञान अर्थात विवेक मनुष्य का ढक जाता है। मनुष्य अपनी कामना के वशीभूत होकर विवेक बुद्धि से चिंतन नहीं कर पाता है। इसीलिए दूसरा श्लोक भगवान ने साइमल्टेनियसली कहा, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला और विवेकियों के लिए कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। अब भगवान उवाच से लेकर और हम यहाँ पे जहां तक प्रभु पधारे हैं वहां तक हम पुरुषोत्तम जी कैसी आज्ञा कर रहे हैं हमको, थोड़ा उसकी ओर देखते हैं। अर्जुन उवाच पे ध्यान दीजिएगा, अथ केन प्रयुक्तो यम पे। यदि यह कहें कि पुरुषांशों का अधिष्ठाता तो भगवान ही है और वह न दे रहा है, माया किन्हीं को मोहित करती है, तब किन्हीं के द्वारा ही नियुक्त पापाचरण में प्रवृत्त होता है। अतः जिज्ञासु अर्जुन प्रश्न करता है कि हे वार्ष्णेय, यह पुरुष बिना इच्छा भी भक्ति मार्ग की प्रवृत्ति के लिए कर्म में आविर्भूत बलपूर्वक नियोजित सा अधिष्ठाता द्वारा प्रेरित सा पाप में गति क्यों होती है? अर्जुन पूछ रहा है कि हे प्रभु, अगर व्यक्ति भक्ति मार्गी है तो भक्ति मार्गी तो सभी व्यक्ति जानते हैं कि भाई हम भगवान द्वारा प्रेरित कर्मों में ही प्रवृत्त हो रहे हैं और हम भगवान के हैं, तो भक्ति मार्गी मनुष्य की भी क्या ऐसी गति होती है कि वो व्यक्ति भी पाप कर्म की ओर आकृष्ट होता है या पाप कर्म भी उसको करने पड़ते हैं, तो उन पापों में हेतु भक्ति मार्गी के लिए क्या है? तो वहां हेतु का निरूपण प्रभु कर रहे हैं कि भाई हेतु निरूपण तो यही है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन मिह वैरिणम। देखो मिल गया, यहाँ पुरुषोत्तम जी ने बहुत सुंदर इसका दृष्टांत दिया है। मेरे को हिंदी के ना लेटर्स थोड़े जल्दी समझ में नहीं आते, एक मिनट। नौवें स्कंद का आप लिख लो, नौवें स्कंद के 19वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अभी अपन जिसकी चर्चा कर रहे थे ना, न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भूय इवाम्बसा नहीं है, भूय एवाभिवर्धते। ये दृष्टांत पुरुषोत्तम जी ने दिया है और पुरुषोत्तम जी भगवान का उत्तर समझा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 37, श्लोक क्रमांक 37 को पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि उत्तर में भगवान ने कहा कि प्रपंच वैचित्र के लिए जिन तीन भुजों को भगवान ने प्रकट किया है उनमें उनके मध्य वाला अर्थात रजोगुण उस रजोभुजात्मक भगवद अंश से मोहित होकर यह जीव प्रवृत्त होता है। अतः उन उन गुणों द्वारा
किए उनके विक्षेप कर्मों को उनके स्वरूप का ज्ञान कर त्यागना ही उचित है। अतः कहा है काम एष क्रोधेश, लौकिक काम रजोगुण से उत्पन्न है, यह सबका द्वेषी है, वही काम अवस्थानांतर में क्रोध हो जाता है, वह महाशन है, उसका पूरा होना कठिन है। अतएव भागवत में कहा है कामों की शांति काम भोग से नहीं होती, जैसे कोई हविष्यान्न डालकर अग्नि को शांत नहीं कर सकता, वैसे ही कामों भोग से काम कभी शांत नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। यह तो महापाप रूप है, देह ग्रहणानंतर ही इसे वैरी समझना चाहिए। यह पद का भाव यह है कि यही देहपात के पश्चात अलौकिक में कार्य का उपयोगी हो जाता है। भगवान 38वें श्लोक में उपदेश कर रहे हैं कि काम वैरी है, अतः जीवात्मा के ज्ञान को आवृत्त करता है, इससे मोह उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा कि जिस प्रकार धूम से वन्नी आवृत्त रहती है, जिस प्रकार मल से आदर्श दर्पण आवृत्त रहता है और गर्भविष्टन से गर्भ आवृत्त रहता है, उसी प्रकार काम के कारण ज्ञान भी आवृत्त चित्त हो जाता है। यहाँ तीन दृष्टांत दिए हैं। प्रथम दृष्टांत भगवदात्मक ज्ञान, द्वितीय सेवा योग्य स्वस्वरूप प्राप्ति रूप ज्ञान और तृतीय बीज भावोत्पत्त्यात्मक ज्ञान, ये तीन प्रकार से व्यक्त किए हैं। पहला दृष्टांत अग्नि का दिया, दूसरा दर्पण का दिया, तीसरा गर्भ और गर्भाशय का दृष्टांत देके बताया कि उन कारणों से जैसे वो चीजें नहीं दिखती, वैसे ये काम क्रोध आदि जो रजोगुण है ये ज्ञान को आवृत्त कर लेता है। और आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। हे कौन्तेय, मेरे उपदेश के अधिकारी, मेरे अंश के कारण स्वस्वरूप को जानने वाले ज्ञानी को भी यह काम आवृत्त करता है। उदर में स्थित रस पचाने वाले अनल अग्नि के द्वारा भी काम की वृद्धि होती है। इस अग्नि को दुरापूर कहा गया है, इसका आशय है दुख से ही पूर्ण किया जाता है, इसलिए कहा गया कि रस के जीतने पर सब कुछ जीत लिया जाता है, अथवा यह काम का ही विशेष स्वरूप है। यहाँ तक आज हम क्रम को रखेंगे और इसके आगे 40वें श्लोक से भगवान के उपदेश को हम कल श्रीनाथ जी के पाठोत्सव पे आगे क्रम बढ़ाएंगे। आज रात्रि को रसिया का जो यहाँ क्रम है वो रात्रि का रखा गया है ताकि पुरुष वर्ग भी आ सकें, तो आज 9 बजे के बाद से यहाँ रसिया का प्रारंभ हवेली में है। श्री गोवर्धन।